Hello again. Our next chapter is quality control. अभी last topic हमने जो किया inspection का, उससे जो अगला topic है that is quality control and quality assurance. दो अलग अलग topics है, इसको एक में ही cover किया हुआ है एक slides में. तो ये दोनों जो topics थे अभी जो last किया inspection और this one quality control and quality assurance, ये total quality management जो chapter है उसके अंदर आते हैं. इसके बारे में हम TQM ही पढ़ेंगे. तो उसके पहले जो क्वालिटी कंट्रोल है उसके बारे में पढ़ते हैं. एक प्रोसेस है, जैसे इंस्पेक्शन है ना, वो एक ओवरऑल इंस्पेक्शन की जाती चीज है. तो उसमें से जो एक काम है वो है क्वालिटी कंट्रोल. प्रोडक्ट जो बन रहा है उसकी जो क्वालिटी को कंट्रोल किया जाता है, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस. इसमें जो डेफिनेशन है, क्वालिटी कंट्रोल इज अ टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट फॉर अचीविंग रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोडक्ट. ये एक टेक्निक है या प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट है जिसमें जो प्रोडक्ट का रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड है उसको अचीव किया जाता है, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी कंट्रोल. इट इज अ मैकेनिज्म बाय विच द प्रोडक्ट्स आर मेड टू स्पेसिफिकेशन डिटरमाइंड बाय द कस्टमर्स डिमांड. जो कस्टमर की डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंगली, जो उसकी स्पेसिफिकेशन होती है उसके अकॉर्डिंगली जो प्रोडक्ट को बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस. Today, the quality is the first preference of customers. It is why industries are giving more attention to the quality control. It depends on the many factors such as skilled labor. अब इसमें क्या क्या आता है quality control में? Skilled labor को employee करके बनाना अपना, quality of raw material, वो जो raw material की quality को check करना, latest technology के equipments use करने, या manufacturing conditions को best बनाना, that is called the quality control features. ठीक है, the systematic control of all these factors is known as quality control. ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ प्रोसेस ही अच्छे होने चाहिए, लेबर जो है वो स्किल्ड होनी चाहिए, रॉ मटेरियल अच्छे से अच्छा होना चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स होने चाहिए, जो मैन्युफैक्चरिंग कंडीशन है वो बेस्ट होनी चाहिए काम करने के लिए. तो ये सारा काम जो है क्वालिटी कंट्रोल के अंदर आते हैं. इट एश्योर्स अ सर्टेन लेवल ऑफ क्वालिटी इन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज. अब अगर ये सारी चीजें कंट्रोल में है तो ये गारंटी होती है कि जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की दैट विल बी बेस्ट. ठीक है, अब द क्वालिटी कंट्रोल कवर्स नॉट ओनली प्रोडक्ट सर्विसेज और प्रोसेसेस बट आल्सो पीपल. अब इसमें सिर्फ वो कहते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं अच्छी बनती या जो सर्विस दे रहे हैं वो नहीं अच्छी होती, बट जो उनके अंदर काम कर रहे हैं उनमें जो एक कहते हैं कि इम्प्रूवमेंट है वो भी बेस्ट निकल के बाहर आती है. ठीक है, सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और कह सकते हैं कोई भी मैनेजमेंट का. नीड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, क्या जरूरत पड़ी इसकी? द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टू मैन्युफैक्चर क्वालिटी प्रोडक्ट एट द लोएस्ट इकोनॉमिकल कॉस्ट फॉर द कस्टमर सेटिस्फेक्शन. हमें इसकी जो जरूरत है वो क्यों पड़ी कि ज्यादा से ज्यादा बढ़िया प्रोडक्ट बने, क्वालिटी प्रोडक्ट बने एट द लोएस्ट इकोनॉमिकल कॉस्ट, ताकि कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई हो सके. सो दैट इज द फर्स्ट नीड. अब इनमें से ये पॉइंट्स है जो जिसके कारण इस क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन किया जाता है. पहला है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, नेक्स्ट इकोनॉमिकल कॉस्ट रखने के लिए. ये ना होगी अच्छा प्रोडक्ट तो बन गया पर कॉस्ट भी बढ़ गई जो उसको बनाने के लिए, तो उससे प्रॉफिट तो कम ही हो, तो उसको भी देखना कि कॉस्ट इकोनॉमिकली हो, जो काम है वो अच्छे से अच्छा हो. रिड्यूस वेस्टेज, कंट्रोल्स क्वालिटी टू श्योर दैट ओनली गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स आर सप्लाई टू कस्टमर टू मीट द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वालिटी स्टैंडर्ड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. ठीक है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन में आ जाएगा कि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन के लिए ये एक्सपेक्टेशन होती है, उस एक्सपेक्टेशन को पूरा कर लिया जाता है. इससे इकोनॉमिकल कॉस्ट हो जाता है कि जो प्रोसेसेज है वो बहुत स्मूथली वे से होते हैं और सारे काम जो है वो कॉस्ट के अंडर अंडर हो जाते हैं अगर वो क्वालिटी कंट्रोल के काम करेंगे. नेक्स्ट है वेस्टेज, जो है स्क्रैप से लेके एंड तक वो कम से कम होगी, क्वालिटी कंट्रोल में रहेगी. ठीक है, अब इसका ही एक आगे पार्ट है स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, दैट इज SQC. स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? इट इज अ ब्रांच ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, ये उसका ही आगे पार्ट है QC का, विच डील्स विद द इक्वालिटी ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन द इंडस्ट्री. अब ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी को चेक करना, दैट इज कॉल्ड, या कंट्रोल करना, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल. We always assume that all the components produced by machine will be exactly similar, but this is not true as variation is inherent and avoidable.
अब वो कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि एक मशीन जो है वो अगर 100 पीसेस बना रही हो वो सारे के सारे सेम होंगे, वही वही अज्यूम्स दैट कि ये 100 के 100 प्रोडक्ट जो है वो सेम होंगे एज पर देयर टर्मिनोलॉजी, बट दिस इज नॉट ट्रू। जो वेरिएशंस है दैट इज ऑलवेज देयर, वो अवॉइड नहीं की जा सकती, ठीक है। तो दैट्स वाई SQC इज इम्पोर्टेंट ऑन टेकिंग मेजरमेंट। If it is found that there is a little difference between actual measurement and the desired measurement, the component is acceptable. But if there is a large difference from specification, it is to be rejected. अगर वो कहते हैं कि जो एक्चुअल में बना और जो हमें चाहिए, अगर तो उसमें से बहुत कम डिफरेंस है उन दोनों चीजों में से, तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है पार्ट को। अगर तो डिफरेंस बहुत ज्यादा आता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। सो दिस द मेन पर्पज ऑफ द स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू कीप अटेंशन ऑन द क्वालिटी ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट व्हिच इज डन बाय SQC। इट इज अ टेक्निक ऑफ एस्टिमेटिंग द क्वालिटी ऑफ द होल फ्रॉम द क्वालिटी ऑफ सैंपल्स, ठीक है जी। पूरे लॉट में से किसी सैंपल्स को प्रॉपर से चेक करना कि ये जो इसकी क्वालिटी है दैट इज मेंटेन्ड और नॉट, दैट इज द पार्ट ऑफ स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। इसके एडवांटेजेस, इट इन्वॉल्व द इंस्पेक्शन ऑफ अ स्मॉल नंबर ऑफ आइटम्स एंड डिसाइड अबाउट द क्वालिटी ऑफ द होल लॉट ऑफ द प्रोडक्ट। पूरे लॉट में से स्मॉल नंबर ऑफ क्वांटिटी की प्रॉपर से इंस्पेक्शन करना ही SQC का काम है। इट हैज मेनी एडवांटेजेस ओवर 100% इंस्पेक्शन विच आर गिवन बिलो। जो इसकी एडवांटेजेस है SQC, उसकी जो एडवांटेजेस है दैट इज गिवन। इट इज वेरी इकोनॉमिकल प्रोसेस एज इट इन्वॉल्व्स इंस्पेक्शन ऑफ ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड इन अ फिक्स पीरियड, ठीक है। तो मतलब एक तरह का सैंपल इंस्पेक्शन ही है। तो इसमें क्या है, पहले तो इकोनॉमिकल है कि हमें 100 प्रोडक्ट के लिए 100 इंस्पेक्शन नहीं करने पड़ेगी, उतनी कॉस्ट नहीं लगेगी। तो कुछ सैंपल्स की सिर्फ हम इंस्पेक्शन करेंगे तो उसमें क्या होगा, इकोनॉमिकल कॉस्टिंग कम आएगी। नेक्स्ट, इट कीप्स कंसिस्टेंस विजिलेंस ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। इट दिस प्रोसेस इज केप्ट अंडर कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ SQC। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉसेस टू द प्रोड्यूसर एज वेल एज टू द कस्टमर। इट इज द बेस फॉर कॉम्प्रोमाइज बिटवीन मशीन ऑपरेटर एंड इंजीनियर्स, इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी एडवांटेजेस है उस सैम्पलिंग इंस्पेक्शन को। कोई भी इंस्पेक्शन के प्रोसेस के लिए हमें ये सारे फायदे मिल सकते हैं उनमें से, ठीक है। कि एक तो टाइम कम से कम लगेगा, दूसरा कंसिस्टेंट विजिलेंस होती रहेगी, मतलब कंसिस्टेंट काम चेक होता रहेगा कि जो लॉट बन रहे हैं दैट आर गुड फॉर कस्टमर्स और नॉट। इससे ट्रस्ट इश्यू भी बना रहेगा, लॉसेस कम से कम आएंगे प्रोड्यूसर के लिए भी जो बना रहे हैं उसको लिए भी या कस्टमर के लिए भी, और एक कॉम्प्रोमाइज रहता है मशीन ऑपरेटर जो काम कर रहे हैं और जो इंजीनियर उनको चेक कर रहे हैं, दोनों के बीच में एक जो ट्रस्ट इश्यूज है वो बने रहते हैं, ठीक है। और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है ऑर्गेनाइजेशन की। तो दीज आर द एडवांटेजेस। नेक्स्ट है इंस्पेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल में डिफरेंस। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था इंस्पेक्शन और ये क्वालिटी कंट्रोल, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इसको एज इट इज पढ़ते हैं। पहला पैरामीटर है स्कोप। इंस्पेक्शन इज द पार्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। जो इंस्पेक्शन है वो क्वालिटी कंट्रोल का ही पार्ट है, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल इन्वॉल्व इंस्पेक्शन एट पर्टिकुलर स्टेजेस बट इंस्पेक्शन डज नॉट मीन क्वालिटी कंट्रोल। मतलब क्वालिटी कंट्रोल एक उसमें से एक इंस्पेक्शन एक छोटा सा पार्ट है, बट इंस्पेक्शन को हम क्वालिटी कंट्रोल नहीं कह सकते, ठीक है। मतलब इसकी जो ब्रॉड टर्म है, इंस्पेक्शन इज अ पार्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इज अ टर्म इटसेल्फ, उसका स्कोप बड़ा है, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल का स्कोप ज्यादा है, इसमें बहुत सारे अलग से एक्शन भी आते हैं, इंस्पेक्शन उनमें से एक है। डेफिनेशन, द एक्ट ऑफ चेकिंग वेदर ए प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स और नॉट। इंस्पेक्शन में ये चेक करना है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो जो ह्यूमन की जो डिजायर है उसको सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, उसका काम है इंस्पेक्शन का। क्वालिटी कंट्रोल इज द फंक्शन विच इज परफॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू अचीव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एट द मोस्ट इकोनॉमिकल कॉस्ट। अब इसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी तो प्रॉपर बनानी बनानी, बट जो कॉस्ट है वो कम से कम खर्च होनी चाहिए कंपनी की, वो जो काम है दैट इज द काम ऑफ या वर्क ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। मेयरिंग डिवाइस, इट इंक्लूड्स प्रिसीजन मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट सच एज वर्नियर कैलिबर माइक्रोमीटर साइन बार एटसेट्रा। इसमें ये सारे टूल्स यूज होते हैं इंस्पेक्शन के लिए। इट इंक्लूड्स स्टेटिस्टिक्स कंट्रोल चार्ट्स एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्रोसेस एंड फील्ड कंप्लेंट्स एज अ मेयरिंग डिवाइस। इसमें बहुत सारे टूल्स
टूल्स होते हैं, स्टेटिस्टिक्स देखते हैं कि जो प्रोडक्ट बन रहे हैं कितने सेल हो गए, कितना प्रॉफिट हुआ, ये भी उसमें आ जाता है। कंट्रोल चार्ट्स की किस कंट्रोल के साथ काम चल रहा है, एक्सेप्टेंस सैंपलिंग प्रोसेस की कितने सैंपल को एक्सेप्ट किया जाता है, उसकी रेशियो क्या है, और जो कंप्लेंट्स है फ्रॉम द कस्टमर वो भी सारी क्वालिटी कंट्रोल में ही आती है। तो बहुत सारे काम है इसके अंडर विद रिस्पेक्ट टू इंस्पेक्शन। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी इंस्पेक्शन कहाँ पे की जाती है? इट इज कंसर्न विद सॉर्टिंग आउट डिफेक्टेड आइटम्स फ्रॉम गुड आइटम। इसका मेन मकसद है अच्छी आइटम है उनमें से खराब आइटम्स को वक्रा करना या अलग करना। इसका काम क्या है क्वालिटी कंट्रोल का? इट इज कंसर्न विद द क्वालिटी ऑफ फ्यूचर प्रोडक्शन। इसमें ये भी देखा जाता है कि आगे बनने वाला काम जो है वो क्वालिटी के अंडर पे प्रॉपर अपना एक्सपेक्टेड हो रहा है या नहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते। ठीक है, कंसर्न इंस्पेक्शन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंस्पेक्टर। अब इसके अंदर काम कौन कर रहा है इंस्पेक्शन के लिए? इंस्पेक्टर। क्वालिटी कंट्रोल के लिए कौन काम करेगा? एवरी वर्कर एंड एम्प्लॉई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इफेक्टेड। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस। पांच पॉइंट्स है इसमें, स्कोप है, डेफिनेशन है, मेजरिंग डिवाइसेस है, एप्लीकेबिलिटी है, कंसर्न है। इसके अलावा अगर आपको कोई और भी पॉइंट सजेशन में लगता है कि ये आ सकता है तो आप देख सकते हैं, नो इश्यूज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वालिटी इश्योरेंस। अब ये क्या है? वी ऑलरेडी स्टडीड दैट क्वालिटी इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर एनी प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, उन्होंने क्वालिटी का बताया कि क्वालिटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए। ऑल द मैन्युफैक्चरर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स टू कंटिन्यू एफर्ट टू एनहांस देयर प्रोडक्ट और सर्विस क्वालिटी बिकॉज ऑफ द मार्केट कंपटीशन। अब वो कहते हैं कि जो मार्केट कंपटीशन है इतना बढ़ गया है कि सभी मैन्युफैक्चरर्स के पास एक ही काम है कि उनके प्रोडक्ट को इनहांस किया जाए विद द कंटिन्यूज एफर्ट्स। ठीक है, दीज एफर्ट्स मेक श्योर दैट एंड प्रोडक्ट और सर्विस मीट्स द क्वालिटी रिक्वायरमेंट। और ये एफर्ट्स में क्या श्योर करते हैं कि जो एंड प्रोडक्ट बन रहा है या सर्विस दे रहे हैं वो क्वालिटी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। क्वालिटी एश्योरेंस इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ चेकिंग टू सी वेदर ए प्रोडक्ट और सर्विस बीइंग डेवलप्ड इज मीटिंग स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स। अब क्वालिटी कंट्रोल में क्वालिटी एश्योरेंस एक ऐसा सेक्शन है या एक ऐसा हम कहते हैं डिपार्टमेंट है जो इस चीज को पूरा करता है। फाइनल स्टेज पे वो चेक करता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो जितनी चाहिए कस्टमर्स को या स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली उतनी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, उसको हम बोलते हैं क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस, QA। ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस टीम होती है वो चेक करती है प्रोडक्ट की क्वालिटी को। ठीक है, और उस मेथड को हम बोलते हैं इंस्पेक्शन। ठीक है, इंटर रिलेटेड है बट देर आर बहुत सारे डिफरेंस है दोनों के बीच में, वो आगे पढ़ेंगे। It includes management of the quality of the raw materials, assemblies, product components and services related to production. अब इसमें क्या क्या quality, किस किस चीज की quality check की जाती है? एक तो raw material की, एक assemblies की मतलब जो मशीन उस पर काम करती है या जिससे उसको जोड़ा जाता है, product components जो components हैं जिससे हम काम कर रहे हैं, and services जो उस services दे रहे हैं, उन सब की qualities को श्योर किया जाता है कि दे आर वर्किंग प्रॉपरली, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी एश्योरेंस। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसमें आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। क्वालिटी एश्योरेंस इज एन एफिशिएंट मेथड ऑफ गैदरिंग, एनालाइजिंग एंड मेंटेनिंग इंफॉर्मेशन ऑन द क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट। क्वालिटी के रिलेटेड जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती किसी प्रोडक्ट की उसको इकट्ठा करना, गैदर करना, एनालाइज करना और उसको मेंटेन करना, उस इंफॉर्मेशन को, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों जरूरत पड़ी या मकसद क्या है इसका? एस्टैब्लिश इंप्रूव द क्वालिटी रिलायबिलिटी ऑफ टोटल मेंटेनेंस एफर्ट। ठीक है, इंप्रूव करना क्वालिटी को और रिलायबिलिटी को ताकि पूरी मेंटेनेंस एफर्ट से, इंप्रूव ट्रेनिंग वर्क हैबिट्स ऑफ पर्सनल, किसी जो नई वर्क फोर्स है या नए वर्कर्स है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ताकि अच्छे से काम कर सके और अच्छी अच्छी वर्क हैबिट्स बतानी उनको। इंप्रूव द वर्क एनवायरनमेंट टूल्स एंड इक्विपमेंट यूज इन मेंटेनेंस एफर्ट। इंस्पेक्शन का काम सिर्फ चेक करना, एनालाइज करना, उसके बाद उसको जो उसमें उसकी रेमेडीज प्रोवाइड करना, दैट इज द पार्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रिपोर्ट्स, जो रिपोर्ट्स तैयार करने की ये कमी आ रही है उसको बाद में कंट्रोल किया जाता है,
ये भी काम जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस का रिड्यूस अननेसेसरी मैन आवर्स एंड एक्सपेंसेस, इसमें ये भी चेक किया जाता है कोई बंदे हम ज्यादा तो नहीं रख लिए या उनके ज्यादा तो नहीं काम करवा रहे किसी से, तो उसको भी रिड्यूस कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट रियलिस्टिक मटेरियल एंड इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट इन सपोर्ट टू द मेंटेनेंस एफर्ट। अब किसी चीज को मेंटेन करना है उसके लिए अलग से कोई टूल्स चाहिए या कोई अलग से रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो प्रोवाइड करना भी क्वालिटी इंश्योरेंस का काम है। ठीक है, इनका मेन मकसद है कि क्वालिटी को बेस्ट से बेस्ट बना के रखना, और जो प्रोसेस है वो क्वालिटी कंट्रोल या ओवरऑल क्वालिटी कंट्रोल के अंदर क्वालिटी इंश्योरेंस एक पार्ट है। ठीक है, टर्म्स ऑफ क्वालिटी इंश्योरेंस अब ये चार चीजें करती है। पहली है इंस्पेक्शन। अब इंस्पेक्शन इज अ पार्ट ऑफ क्वालिटी इंश्योरेंस, क्लियर। इट इज द टेस्टिंग ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज दैट इंक्लूड रॉ मटेरियल इक्विपमेंट एंड प्रोडक्ट कंपोनेंट टू डिटरमिन वेदर दे फुलफिल स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट क्यूए, इट इज प्लान्ड एक्टिविटी टू प्रोवाइड कॉन्फिडेंस दैट अ प्रोडक्ट फुलफिल एस्टैब्लिश रिक्वायरमेंट। ये एक प्लान्ड एक्टिविटी होती है कि अगर ऐसे काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली काम जो है प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो एश्योरेंस प्रोवाइड करता है वो कौन करता है? क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। नेक्स्ट होता है ऑडिट, इट अप्लाइज टू द क्वालिटी एश्योरेंस। अब प्लान एक्टिविटी तो बना दी क्यूए वालों ने, अब उसको चेक कौन कर रहा है कि ये काम उतने ही अच्छे से चल रहा है, दैट इज द कॉल्ड ऑडिट्स। ठीक है, बाहर से बंदे आते हैं या मैनेजमेंट के बंदे आते हैं जो चेक करते हैं कि जैसे काम लिखा है इन्होंने करना है वैसे काम हो रहा है। इट इज अ पीरियोडिक इवैल्यूएशन ऑफ प्लान्स डिटेल्स पॉलिसीज प्रोसीजर प्रोडक्ट्स एंड रिकॉर्ड, वो बोलते हैं ऑडिट्स। लास्ट है मॉनिटर्स, इट आल्सो अप्लाई टू क्यूए, इट इज एन ऑनगोइंग रिव्यू ऑफ डिटेल्स। मॉनिटर होता है कि जो काम लिखा है हमने कि ऐसे काम करेंगे तो अच्छा प्रोडक्ट बनेगा, तो उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि ये जो थ्रेटिकली काम लिखा है क्या ऐसे प्रैक्टिकली हो रहा है। तो ऑनगोइंग रिव्यू ऑफ डिटेल्स प्लान पॉलिसी प्रैक्टिसेस प्रोडक्ट प्रोसीजर एंड रिकॉर्ड, दैट इज कॉल्ड मॉनिटर। और ऑडिट क्या है कि काम ऑडिट तो है कि रैंडमली आ रहे हैं कि महीने में आ गए साल में आ गए, मॉनिटर मतलब कभी कंटिन्यूस प्रोसेस है। प्रिंसिपल्स ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस द क्वालिटी, अब मैंने बताया था अभी कि थ्रेटिकल पार्ट है कि ये एक्टिविटी करो प्रोडक्ट अच्छा बन जाएगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। अब थ्रेटिकली लिखा किसमें है, किसने स्टैंडर्ड बनाया है, कंपनी को कैसे पता कि ये काम ऐसे करेंगे, तो उसके लिए स्टैंडर्डाइजेशन हुई पड़ी है। वो किसने किया? गवर्नमेंट की एजेंसीज ने। काइंड ऑफ यहाँ पे दिया द क्वालिटी एश्योरेंस प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन द ISO 9000 स्टैंडर्ड। ISO क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, एक सर्टिफिकेशन है या स्टैंडर्ड का नाम है ISO 9000। ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को दिया जाता है कि वो अगर कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वो इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं, और इसमें बहुत सारी ऐसी कहते हैं इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसको फॉलो करने से उसकी जो क्वालिटी है दैट इज मेंटेन्ड। ठीक है, द प्रोडक्ट क्वालिटी विल बी मेंटेन्ड इफ दे आर हैविंग द सर्टिफिकेशन ऑफ ISO 9000 स्टैंडर्ड। ठीक है, इसके अलावा और भी स्टैंडर्ड्स हैं बट दिस इज द मेन स्टैंडर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। इट इज एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दैट मेनी कंपनीज यूज टू इंश्योर दैट देयर क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम इज इफेक्टिव। अब इस स्टैंडर्ड से उनको क्या श्योर हो जाता है? क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम उनका इफेक्टिव है, उनके पास थ्रेटिकल नॉलेज है हर चीज की कैसे इसको क्वालिटी को मेंटेन करना। इट इज सेट टू गारंटी दैट ए कंपनी डिलीवर्स क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विस। अब इससे उनको प्रूफ हो जाता है या लोगों को ये ट्रस्ट हो जाता है कि जो ये प्रोडक्ट बन रहे हैं इस कंपनी के अगर सर्टिफिकेट है उनके पास ये वाला, तो दैट मींस उनका जो प्रोडक्ट है दैट इज क्वालिटी प्रोडक्ट। जैसे एक ISI मार्क होता है वो भी एक स्टैंडर्डाइज मार्क होता है, वो होता है इलेक्ट्रिकल कह सकते हैं हम या मैकेनिकल फील्ड्स में, कि ये प्रोडक्ट जो है वो स्ट्रेंथ उसकी जो है शॉक प्रूफ है या वो उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया है, तो वो ISI मार्क के अंडर आता है। ऐसे ही ISO स्टैंडर्ड होते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए होते हैं, इसमें जो प्रोडक्ट बन रहे होते हैं दैट इज अ क्वालिटी प्रोडक्ट, तो वो ट्रस्ट हो जाता है, गारंटी हो जाती है। ठीक है, अब QA प्रिंसिपल को चेक कौन करता है, मतलब ये प्रिंसिपल बनाता कौन है? इट इज यूज्ड बाय सीनियर क्वालिटी मैनेजर्स टू रन अ बिजनेस बेस्ड ऑन कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड क्वालिटी इंश्योरेंस। ठीक है, तो दीज आर प्रिंसिपल्स की ISO 9000 स्टैंडर्ड को बनाओ और क्वालिटी प्रोडक्ट को बनाओ। ठीक है, आगे सम ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ क्वालिटी इंश्योरेंस आगे भी दिए हुए हैं। फोकस ऑन कस्टमर, सबसे पहला फोकस है कस्टमर के ऊपर फोकस करते हैं ये। ठीक है, कस्टमर की क्या डिमांड है, अगर तो उसकी डिमांड चेंज हो गई विद द टाइम तो अकॉर्डिंग टू दैट उनके स्टैंडर्ड्स जो हैं वो चेंज होने शुरू हो जाते हैं।
इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, पीपल को इन्वॉल्व रखते हैं, उनके फीडबैक ली जाती है बार बार कि कैसे उनकी डिमांड्स है या उनको कैसी चीज चाहिए, या उनसे टेलीफोनिकली पूछा जाता है या उनको सर्वे किया जाता है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, मार्केट सर्वे भी आ जाता है इसमें। तो ये भी सुधा फंक्शन ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। लीडरशिप, अब इसमें लीडरशिप की बहुत बड़ा रोल है। अगर तो कोई लीडर होगा ऐसा जो काम अच्छे से करवा सके, तो वो जो है ऑनगोइंग प्रोसेस होगा उनका, दैट विल बी वेरी बेटर। ठीक है, अगर लीडरशिप उनकी कंपनी की माड़ी बुरी होगी या अच्छे से नहीं होगी, तो उनको पता होगा कि जो क्वालिटी है वो उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बिकॉज ही इज नॉट काइंड ऑफ सुपरवाइजिंग इन अ गुड वे, या अच्छे तरीके से उसको जज नहीं कर पाएगा, या अच्छे से इंस्ट्रक्शंस नहीं प्रोवाइड करेगा वो अपनी लेबर को, तो उससे क्या होगा, क्वालिटी पे असर पड़ेगा। दैट इज व्हाई लीडरशिप इज रिक्वायर्ड, या उसका प्रिंसिपल होता है कि लीडरशिप शुड बी गुड। ठीक है, नेक्स्ट इज बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप। अब इसमें क्या है, द क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड होता है ISO 9001। ये बोथ जो स्टैंडर्ड्स हैं, दीज एनकरेज ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप विद देयर सप्लायर्स। अब इसमें क्या होता है, जो सप्लायर्स होते हैं उनको रॉ मटेरियल देते हैं, उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा बन जाता है अगर उनके पास ये क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम होगा। ठीक है, उनको पता है कि ये अच्छा माल मंगाते हैं पीछे से, तो तभी प्रोडक्ट अच्छा बनेगा, तो सप्लायर भी उनके साथ पूरा ट्रस्ट इश्यूज बना के रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। इनका मेन प्रिंसिपल है कि इम्प्रूवमेंट कंटिन्यूस रखें, ये ना कि एक बार अच्छा स्टैंडर्ड बन गया अब वही काम चलता रहे, अगर चेंजेस की जरूरत है तो ये चेंजेस करेंगे। नेक्स्ट इज प्रोसेस अप्रोच। अब इसमें क्या होता है कि प्रोसेस को अप्रोच किया जाता है, बेसिकली जो काम करते हैं उस पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, कि इनको बेसिकली होता है कि द प्रोसेस शुड फोकस ऑन रिसोर्सेज मेथड एंड मटेरियल विच अफेक्ट द एक्टिविटीज विद इन अ बिजनेस, कि काम करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, जो मैन पावर चाहिए ये पूरा करते हैं, ये डिमांड दे देते हैं कि इतने बंदे चाहिए हमें, या ये मटेरियल चाहिए हमें, या ये रिसोर्सेज चाहिए काम करने के लिए, तो वो सारा कुछ क्वालिटी एश्योरेंस के अंडर होता है, प्रिंसिपल है इनका। लास्ट फैक्चुअल अप्रोच डिसीजन मेकिंग। अब उसके अकॉर्डिंगली जितना इनको चीजें चाहिए तो वो डाटा एनालाइज करते हैं जो बन रहा है, तो अब डिसीजन लेते हैं उस पर, जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो इनके पास फैक्ट के अकॉर्डिंगली आती है, इनके पास फैक्ट होते हैं कि थ्योरेटिकली ये चीजें चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली प्रैक्टिकली मैच करते हैं, अगर पूरी नहीं आ रही तो एक डिसीजन लेते हैं कि हमें ये चीजें चाहिए और मैनेजमेंट को बताते हैं। ठीक है, सो दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। नेक्स्ट, ये टॉपिक ओवर है, आप उसके अंदर जो भी आपको ना समझ आए क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं, जो क्वेश्चनिंग होगी इसके अंदर वो यही होगी, क्वालिटी कंट्रोल होता क्या है, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी टर्म्स आती हैं, और इसके डिफरेंस इंस्पेक्शन के साथ, और SQC क्या होता है, और क्वालिटी इंश्योरेंस क्या होता है। ठीक है, तो आपके लिए जो दो क्वेश्चन है वो यही है कि SQC की फुल फॉर्म क्या है, और जो टर्म्स रिलेटेड टू क्वालिटी कंट्रोल वो क्या क्या है। ठीक है, तो आप ये मेरे को मैसेज पे बता सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं इसके आंसर। थैंक यू।